हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कटिंग तो करेंगे लेकिन स्टिचिंग हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक नए तरीके से हम एक डोरमेट बना के रेडी करेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने ओल्ड लेगिंग्स ले ली है। आप किसी भी प्रकार के पुराने कपड़े, लेगिंग्स, बेडशीट, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। लेगिंग को मैंने ऐसे काट लिया है। सेंटर से अलग करने के बाद हम इसकी लंबी स्ट्रिप्स काटेंगे। तो लंबी पट्टियाँ हम इसकी काट लेंगे। पहले हम इसको सेंटर से अलग कर लेंगे। आप किसी भी प्रकार के कपड़े से बना सकते हो। टी शर्ट्स होगी, पुरानी लेगिंग्स होगी, बच्चों के सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े रहते हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चों के, आप उनका भी रीयूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, हम एक एक इंच की इस तरह से पट्टियाँ काट लेंगे। आप पट्टियों की चौड़ाई कपड़े की हिसाब से रख सकते हो। अगर आपका कपड़ा मोटा है तो आप एक एक इंच की ही पट्टी बनाएं, और अगर आपका कपड़ा पतला है तो आप पट्टी की चौड़ाई बढ़ा सकते हो। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से सारी पट्टियां काट ली हैं। इसी तरह से मैं और लेगिंग्स की भी पट्टियां काट के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, काटने के बाद इनको इस तरह खींचने के बाद ऐसे मोटा सा थ्रेड बन के रेडी होता है ये ऐसे। तो मैंने और अलग प्रकार की लेगिंग सभी काट के इसी तरह से, देखिए मैंने सभी पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। अभी हम दो कलर की पट्टियाँ लेंगे। आप चाहे तो सेम कलर की भी ले सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग कलर की ली है। तो देखिए, इन पट्टियों को लेके हम इस तरह पट्टियों के कॉर्नर में हाफ पौना इंच का गैप छोड़ के कट लगाएंगे। सेंटर में इस तरह से खड़ा कट लगाएंगे हम, इस तरह से जैसे लगाया है, जैसे हम काज के लिए लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और कट के ऊपर दूसरी पट्टी हम रखेंगे, और जो पट्टी ऊपर है उसका दूसरा कॉर्नर हम इनके सेंटर जो कट लगा है उसमें से निकाल के इस तरह से बाहर निकालेंगे। तो ऐसे हमारी एक नॉट बन के रेडी हो जाती है और हमारा जॉइंट भी लग जाता है इन पट्टियों में। अभी हम किसी एक पट्टी पे सेफ्टी पिन लगाएंगे। ये देखिए, मैंने पिंक वाली पट्टी पे सेफ्टी पिन लगाई है। आप चाहे तो किसी भी पट्टी पे लगा सकते हो। अभी हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और जो वाइट वाली पट्टी है इसको इस तरह से रखेंगे, ये देखिए उंगलियों में, और जो पिंक वाली पट्टी है उसको ऊपर से ऐसे राउंड में करते हुए वाइट वाली पट्टी के नीचे से पिन को, ये देखिए ये स्टार्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये वाइट वाली पट्टी को ऐसे नीचे पकड़ा है और पिंक वाली को इसके नीचे से ऐसे सर्कल में रखते हुए ऐसे हम ऐसे नॉट लगा लेंगे। इसी प्रकार से हम 5 नॉट लगाएंगे। ये देखिए, हमारी 2 नॉट लग गई। ये देखिए, वाइट पट्टी के नीचे से हमने पिन को निकालते हुए इस तरह से नॉट लगा ली, और पिंक वाली पट्टी को ऐसे राउंड में रखा हमने, और ऐसे वाइट वाली पट्टी के नीचे से निकालते हुए पिंक वाली पट्टी के सर्कल में से पिन को निकाला, और ऐसे हमारी नॉट लग गई। अभी हमारी 5 नॉट लग गई हैं। अभी हम इनको इस तरह से राउंड करेंगे। अब इसको राउंड शेप देने के लिए हम इस तरह राउंड करेंगे, और जो ये वाइट वाली पट्टी है इसको ऐसे ही आगे आगे रखते जाएंगे ऐसे ही। और अभी जो नॉट लगा के हमारी जो जाली बनी है पिंक वाली नोट पे, जो ये हमारी जाली बनी है, इसमें से ऐसे इंसर्ट करेंगे हम पिन को इस तरह से रखते हुए, और वाइट वाली पट्टी के नीचे से लेते हुए ऐसे ही सेम पिंक वाली पट्टी के सर्कल में से इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह ये हमारा सर्कल जॉइंट हो गया, ये हमारा सर्कल बन गया। अभी हम हर एक नोट की जो जाली है उसमें डबल नॉट लगाएंगे एक एक जाली में, जिससे कि ये अच्छे से फैल जाएगा हमारा जो मैट बनेगा। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ये एक ऐसे कटोरी की तरह बन जाएगा इसका शेप। तो इसके लिए हमें एक एक नॉट की जो जाली है उसमें एक सर्कल हम ऐसा लगाएंगे जिसमें हम हर एक जाली में दो नॉट लगाएंगे। ये देखिए, अभी इसको हम इस तरह से जॉइंट कर सकते हैं ईजीली, ऐसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। तो ये हमारा इजीली जॉइंट भी लग जाता है नोट से, ये देखिए। अभी एक सर्कल हम पूरा ऐसे ही लगाएंगे, उसमें एक एक जाली में हम दो नोट लगाएंगे इस तरह से, अच्छे से टाइट करके रखेंगे हम
पिंक वाली पट्टी को भी और जो ये वाइट वाली पट्टी है उसको भी इस तरह से। ये मैट बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। और आप घर में पड़े हुए बच्चों के जो कपड़े होते हैं जिनको हम फेंकने का सोचते हैं, तो आप फेंकने की बजाय इसको इस तरह हम रीयूज कर सकते हैं और बिना पैसे खर्च किए हम घर में ही इसे सुंदर सुंदर डोरमेट बना के रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे जो भी नए आए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ये देखिए मेरा दूसरा सर्कल भी लगभग लग गया है। अभी तीसरे सर्कल में हम जो हमारी ये जाली बनी है उसमें हम एक जाली में एक ही नोट लगाएंगे और दूसरी नेक्स्ट जाली में हम दो नोट लगाएंगे, मतलब एक जाली में एक नोट और नेक्स्ट जाली में दो नोट्स, एक में एक ने उससे नेक्स्ट में दो इस तरह लगाएंगे। ये देखिए जैसे जैसे हमारा मैट का सर्कल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हम डबल नोट लगा रहे हैं उनका डिस्टेंस भी बढ़ाते जाएंगे। जैसे पांच पांच नोट्स के बाद दो लगाएंगे नोट, या सात सात आठ आठ दस दस नोट के बाद दो दो नोट लगाएंगे। ये देखिए अभी तीसरा सर्कल, ये एक नोट इस तरह से, अभी ये देखिए दूसरे में एक और फिर इसी में ही हम दूसरी नोट लगाएंगे। अभी नेक्स्ट जाली में हम एक नोट लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से सिंगल नोट लगाई हमने इसमें। अब हम नेक्स्ट जाली में ये देखिए इंसर्ट करेंगे पिन को इस तरह से, और यहाँ अब इसी में दोबारा इंसर्ट करके हम इस तरह से दो नोट एक जाली में लगा लेंगे। अब इसके आगे फिर हम एक एक में एक ही नोट लगाएंगे ऐसे, और ये देखिए दूसरे में हमने ये फिर इसी में इंसर्ट करके दो नोट लगा दी हैं। तो इस तरह से हमारा सर्कल भी बढ़ता रहेगा और ये अच्छे से फैलता रहेगा और हमारा मैट बनके अच्छे से रेडी हो जाएगा। जैसे जैसे इसका सर्कल बढ़ता जाएगा हम इसके डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे। जैसे अभी हमने एक में सिंगल और दूसरे में डबल लिया, इसके आगे वाले सर्कल में हम इसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ा देंगे। जैसे तीन में हम सिंगल लेंगे और फोर्थ में जाके डबल ले लेंगे, और जैसे बड़ा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हम इसका डिस्टेंस भी बढ़ाते जाएंगे डबल नोट का। तो ये इसी तरह से हम पूरा सर्कल लगा लेंगे तीसरा भी, एक में सिंगल और एक में डबल करते हुए। इसी प्रकार से मैंने तीन कलर लगा के, देखिए पिंक के बाद मैंने ब्लैक कलर लगाया, ब्लैक के बाद मैंने वाइट लगाया दो लेयर, और वाइट के बाद मैंने ग्रे कलर लगाया। अब ग्रे के बाद मैं फिर पिंक कलर की लेयर लगाऊंगी। तो ग्रे में देखिए मैंने इसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ा दिया है, ये देखिए 5-6 नोट के बाद ही मैंने डबल नोट लगाई है। अभी फिर हम इसमें डबल नोट लगाएंगे, अभी 1 ये 2 3 4 5, और देखिए 5 में मैंने डबल नोट लगाई है। तो इस तरह से हम इसका डिस्टेंस बढ़ाते हुए इसमें डबल नोट लगाएंगे और इसका सर्कल बढ़ाते जाएंगे। देखिए मैंने एक पिंक कलर की भी 3 लेयर इसमें लगा दी हैं। अब इसी तरह हम इसको बढ़ाते जाएंगे और सर्कल में इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। जब हम इसको तब तक इस तरह से बनाएंगे जब तक जितना बड़ा आपको चाहिए, जब तक आप इसी तरह से ये रिपीट करते जाओगे। और जब आपको लगे कि आपका मैट बन के रेडी हो गया है तो हम जो लास्ट वाली दो लेयर हैं उसमें हम बिल्कुल भी नोट हैं जो हम नोट लगा रहे हैं एक जाली में डबल वो नहीं करेंगे, हमने लास्ट में सिंगल सिंगल नोट ही पूरे सर्कल में लगाएंगे। तो ये देखिए मेरा लास्ट वाला सर्कल
लेयर है, ये सर्कल की लेयर है, तो इसमें मैंने सब में सिंगल सिंगल नॉट लगाई है। अभी हम इसको फिनिश करेंगे, तो ये देखिए इसको फिनिश करना, इसकी फिनिशिंग कैसे करेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। ये मेरी फोर लेयर लग गई हैं अलग कलर की। अभी हम इसको उल्टा करेंगे और जो हम जिस पट्टी से हम नोट लगा रहे थे उसको हम ऐसे उल्टी तरफ की जो हमारी नोट की जालियां हैं उसमें इसको इंसर्ट करते हुए नीचे की तरफ दो तीन लेयर छोड़ के ऐसे इंसर्ट करेंगे और इस तरह से नोट लगा देंगे, ये इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे, और जो हमारी ब्लैक वाली पट्टी है उसको हम इस तरह दूसरी तरफ करेंगे, और सेम उसी तरीके से इसको भी हम इस तरह नॉट लगा के जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेंगे। तो ये इसकी उल्टी साइड है, ये देखिए ये भी कितनी अच्छे से बन के रेडी हुई है, और ये इसकी फ्रंट साइड है। तो देखिए ये सुंदर सा मैट बन के रेडी है आपके पास। आप घर पे ही इस तरह का सुंदर मैट बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ।